परिवार का पालन करने को सब्जियां बेचने निकला ये सहायक निर्देशक, बोला मुश्किल से हार नहीं मानूंगा। कोरोना काल ने कई लोगों को मुश्किल वक्त दिखा दिया। इस समय में फिल्मी जगत से कई ऐसी हस्तियों का नाम सामने आया जो कोरोना काल में किसी ना किसी से मदद की गुहार लगा रहे थे। वहीं अब एक बार फिर से टेलीविजन इंडस्ट्री से एक नाम और सामने आया है जिनके हालात कोरोना के चलते बदल गए हैं। ये हैं टेलीविजन धारावाहिक बालिका वधू में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने वाले राम वृक्ष गौर। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ निवासी राम वृक्ष गौर कोरोना काल में फुटपाथ पर सब्जियां बेच रहे हैं। राम वृक्ष की परेशानी को देखकर धारावाहिक में भैरव सिंह का किरदार निभाने वाले अभिनेता अनूप सोनी भी मदद के लिए सामने आ गए हैं। उन्होंने बताया है कि शो की टीम राम वृक्ष तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। खबरों की माने तो राम वृक्ष धारावाहिक में दूसरे नंबर के असिस्टेंट डायरेक्टर थे। उनका सेट पर आना भी कम होता था जिस वजह से धारावाहिक से जुड़े कई लोग उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी सभी लोग उन्हें खोजने की और उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अनूप सोनी ने ट्वीट करते हुए बताया कि ये दुखद है। हमारी बालिका वधु की टीम को इस बारे में जानकारी मिली है और हम इनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि राम वृक्ष कुछ दिन पहले ही एक फिल्म की रेकी के लिए आजमगढ़ आए। वो काम कर ही रहे थे कि कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन लग गया। इसके बाद उनकी वापसी संभव नहीं हो पाई। काम बंद हुआ तो आर्थिक संकट खड़ा हो गया। प्रोड्यूसर से बात की तो उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट पर एक से डेढ़ साल बाद ही काम शुरू हो पाएगा, जिसके बाद राम वृक्ष को वहीं पर रहते हुए अपने परिवार का भरण पोषण करना था, जिसके लिए उन्होंने ये रास्ता अपनाया।